हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन अल्फा अल्फा के बारे में। अल्फा अल्फा मेडिसिन किस प्रकार के रोग पर और सिम्टम्स पर उपयोग में आती है, उसके लिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको किसी ने सजेस्ट की है अल्फा अल्फा मेडिसिन अपनी किसी परेशानी के लिए उपयोग में लेने के लिए, तो उससे पहले मेरा ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है बहुत ही बारीकी से बताया है कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए अल्फा अल्फा मेडिसिन उपयोग में आती है। तो अगर इसमें से कोई भी परेशानी अगर आपको है, तो उसके लिए आप अल्फा अल्फा मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जानकारियाँ पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जिस प्रकार से होम्योपैथी मेडिसिन एक मेडिसिन बहुत सारी परेशानियों के लिए उपयोग में आती है, लेकिन फिर भी हर मेडिसिन के अपने कुछ रोग और सिम्टम्स होते हैं, इसी प्रकार से अल्फा अल्फा मेडिसिन के भी अपने कुछ सिम्टम्स हैं। यानी कि ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा जिस परेशानी के लिए उपयोग में आती है वो है पाचन शक्ति। पाचन शक्ति को ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत करती है। आपकी पाचन शक्ति अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपको पेट से रिलेटेड अगर कोई भी रोग हो रहे हैं, पाचन शक्ति से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानियाँ हो रही है, तो उसके लिए आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इससे जो है आपकी भूख बहुत अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अलावा स्नायु के रोग होते हैं, स्नायुओं से जो भी रिलेटेड परेशानियाँ होती है उसके लिए भी अल्फा अल्फा है। आमाशय के अगर रोग हैं तो उसके लिए भी अल्फा अल्फा मेडिसिन का उपयोग होता है। अपच, अनिंद्रा, इस तरह के जो भी रोग होते हैं उन सभी के लिए अल्फा अल्फा मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अनिंद्रा से रिलेटेड जो रोग, आपको जो भी परेशानी है कि टाइम टेबल के हिसाब से आप नहीं सोते हैं, या किसी भी तरह के काम की वजह से आप जो है टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं, तो नींद से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए भी अल्फा अल्फा मेडिसिन है। स्नायु से रिलेटेड परेशानियों के लिए है, तो सभी की परेशानी के लिए अल्फा अल्फा मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आती है। इसके अलावा जिन महिलाओं ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और उसके बाद जो है उन्हें अच्छी मात्रा में दूध नहीं आ रहा है, नहीं उतर रहा है दूध, तो वहाँ पर अगर उस महिला को जो है अल्फा अल्फा मेडिसिन का सेवन करवाया जाए, तो उस मेडिसिन से जो है उस महिला को दूध की जो मात्रा होती है वो बहुत अच्छी मात्रा में उनको जो है वो दूध आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को मूत्र में फॉस्फेट जाने का रोग होता है, उनको भी जो है अल्फा अल्फा मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों को मधुमेह का रोग होता है, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज की परेशानी होती है उनको, और जिन लोगों के मूत्र में फॉस्फेट जा रहा है उन लोगों को, इन दोनों को जो है इस दोनों परेशानी की वजह से जो है बार बार पेशाब लगती है, बार बार उनको पेशाब जाना पड़ता है, तो इस परेशानी से बचने के लिए भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर इन दोनों रोग से रिलेटेड परेशानी के लिए व्यक्ति जो है इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है, तो अल्फा अल्फा मेडिसिन का उपयोग 1 mg/quantity में अगर 3 महीने तक व्यक्ति करता रहता है, तो बार बार पेशाब जाने की जो परेशानी डायबिटीज़ के पेशेंट को होती है, या फिर जिन लोगों के मूत्र में फॉस्फेट जा रहा है उन्हें भी जो है बार बार पेशाब जाने की परेशानी होती है, तो इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आपको अल्फा अल्फा मेडिसिन 1 mg/quantity में 3 महीने तक लगातार करना चाहिए। इससे जो है आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उसके अलावा जब पुरुष ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं, तब भी जो है पुरुषों को ये प्रॉब्लम होती है कि बार बार पेशाब लगती है, तो उससे बचने के लिए भी आप अल्फा अल्फा मेडिसिन का उपयोग 1 mg/quantity में कीजिएगा। इससे भी जो है आपको इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आज के इस वीडियो में मैंने इतनी ही जानकारी दी है। इसके और एक पार्ट में बनाऊंगी जिसमें मैं और डिटेल में जानकारी दूंगी। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।